तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जेप्पे पे अकाउंट कैसे बनाएं, केवाईसी उसका अपडेट कैसे करें, यह सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई है, तो जाके आप उसको देख लें अगर जेप्पे पे अकाउंट बनाना है तो। और आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि वजीर एक्स जो इंडिया का नंबर वन एक्सचेंज है जिस पर आप बिटकॉइन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उस पर जो हम अकाउंट कैसे बनाएं और उसका केवाईसी अपडेट कैसे करें, तो यह जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। और दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका जो बेल आइकन है बगल में उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और सारे वीडियो में बता रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना हो तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके अकाउंट बनाएं, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वजीर एक्स का अकाउंट के लिए लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाके क्लिक करके नॉर्मली आप अकाउंट बना सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की तो कॉइन मार्केट कैप पे जाइएगा, उसकी भी मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कॉइन मार्केट कैप में जाके यहाँ नॉर्मली आप सर्च बटन पे जाइएगा, वजीर एक्स टाइप करिएगा, तो वजीर एक्स एक टोकन भी है और एक्सचेंज भी है, तो आप एक्सचेंज पे क्लिक करिएगा। तो एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा। अब यहाँ जो वजीर एक्स .com है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। या आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो आप इस पर इसमें भी जाके आप नॉर्मली यहाँ पे आपको साइन अप दिख रहा होगा कर सकते हैं, और जो लोग मोबाइल पे बना रहे हैं उनके लिए आसानी रहेगी। अगर आप इसके जो एप्लीकेशन है उस पर जाके अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, और अगर आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पर जाके अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए, हमारा तो सेट एंड्रॉयड फ़ोन है तो हम गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और सीधे आपको प्ले स्टोर में चला जाएगा, और प्ले स्टोर में जाके आप ओपन पे क्लिक करेंगे। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओपन पे क्लिक करेंगे। मैंने डाउनलोड कर रखा है, इस वजह से ओपन लिखा हुआ आ रहा है। तो यह आ गया आपका एप्लीकेशन वजीर एक्स का, सब कुछ सेम है, लॉगिन अभी नहीं हुआ है। यह मार्केट है वजीर एक्स का। तो आप जो है ये ऊपर जो सेटिंग का बटन है इस पर जाएंगे, और सबसे यहाँ पे आपको साइन अप दिख रहा होगा, साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है और कंफर्म पासवर्ड। तो आप जिस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना चाहते हो वह ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आप पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड जो है ऊपर स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा इस फॉर्मेट में हो, कई लोग पासवर्ड नहीं बना पाते हैं, कई बार उनका पासवर्ड ओके नहीं होता है तो लोग पूछते हैं कि सर ये पासवर्ड क्यों नहीं ले रहा, तो पासवर्ड इस फॉर्मेट में रहेगा तभी लेगा, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। फिर दोबारा कन्फर्म पासवर्ड में एक बार और पासवर्ड डालेंगे, वही जो ऊपर आपने डाला है। पासवर्ड बनाने के बाद रेफरल कोड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है 6 स्मॉल लेटर में JKHDYEC इसको डाल देंगे। उसके बाद फिर आई एग्री टू वजीर एक्स पे क्लिक कर देंगे और फिर सिंपली साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे ऐसा पहले वेरीफाई अकाउंट का ऐसे सामने आपको स्क्रीन पे आएगा, फिर आपके ईमेल आईडी पे जो है कंफर्मेशन के लिए मैसेज जाएगा। तो आप जो है अपने ईमेल आईडी पे जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। और कभी कभी जो है ना ईमेल आईडी पे शो नहीं करता है, तो यहाँ लिखा है देखिए कि चेक योर स्पैम फोल्डर, तो स्पैम फोल्डर पर जाके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए हम अपने ईमेल आईडी पे जाके उसको कन्फर्म करते हैं। तो यह हमारा ईमेल आईडी है, देखिए ऊपर आ गया 12:50 पे, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आईडी वजीर एक्स की तरफ से। तो हम इस पर क्लिक करेंगे,
तो देखिए वेरीफाई योर ईमेल आईडी, तो ये वेरीफाई क्लिक कर देंगे और यह जो लिंक जो दिया रहेगा वैलिड रहेगा ओनली 15 मिनट के लिए। तो तुरंत जाके आप अपनी ईमेल आईडी पे, और अगर नहीं दिखता है इस पर तो आप स्पैम फोल्डर आता है उस पर जाके आप देख सकते हैं, शायद वहाँ पे आ गया हो। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं ईमेल आईडी को अपने। तो देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आप चाहें तो इस पे कंटिन्यू पे जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए अब आप अपने जो एप्लीकेशन था उस पे चले जाते हैं। तो हम अपने एप्लीकेशन पे आ गए हैं जहां हम पीछे थे। तो देखिए ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई हो गया। अब सिक्योरिटी के लिए ऑथेंटिकेटर लगाना है या SMS, मोबाइल SMS नॉन सिक्योर। तो अभी हम नॉन सिक्योर अभी बस आपको समझाने के लिए बता देते हैं। बाकी आप जो है ऑथेंटिकेटर ऐप का आप इस्तेमाल करिएगा अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। तो वह कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगर आपको आता है तो बढ़िया है, और नहीं आता है तो मैं वो सिंपल है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए हम अभी नॉन सिक्योर पर क्लिक कर देते हैं। अब यह आ गया सेलेक्ट योर कंट्री। तो हम अपने कंट्री को, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया क्लिक कर दिए। आप जहाँ से हो उस कंट्री को आप यहाँ पे डाल दें। और देखिए विदाउट KYC विथ KYC, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना KYC नहीं करते हैं तो बस आप डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट में और ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप KYC कर लेते हैं तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, और पेयर टू पेयर जो आप लेन देन करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम जो है KYC करेंगे, क्योंकि हम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा इस यहाँ पे तो हमको विड्रॉ भी तो चाहिए अगर प्रॉफिट होता है तो इस वजह से हम अपना KYC अपडेट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट KYC पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डालेंगे, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर जो एड्रेस है हमारा होम एड्रेस या जो आपका आधार कार्ड पे लिखा रहेगा उसको डालेंगे, फिर यहाँ पे स्टेट है स्टेट डाल देंगे, फिर सिटी जो है हमारा सिटी डालेंगे जिस सिटी में रहते हैं, पिन कोड है पिन कोड जो हमारा एरिया का रहेगा उसको डालेंगे, फिर हमारा जो पैन कार्ड नंबर है उसको डालेंगे, फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिर से एक बार डालने के बाद फिर यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करेंगे अपने, और फिर यहाँ पे आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स टाइप में अगर आप आधार कार्ड है या पासपोर्ट है ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको सही लगे वो आप डालेंगे, तो मैं तो आधार ही नंबर डालूँगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर रहेगा, फिर एक बार और आधार नंबर डाल देंगे, और आधार का जो फ्रंट साइड है वो यहाँ पे डालेंगे, और जो बैक साइड है आधार कार्ड का वो यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अपने आधार कार्ड को हाथ में ऐसे सिंपली दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में जिसमें भी आपको ठीक लगे लेके और एक सेल्फी लेना है जिसमें आपका फेस और आधार कार्ड का नंबर जो है साफ सुथरा दिखाई दे, तो उस फोटो को इसमें अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं अपना डिटेल सारा इसमें डाल देता हूँ, आप भी लोग डालिए। चलिए मैंने अपना सारा अपडेट डाल दिया है, अब सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप वेरीफाई के लिए जो अभी बटन हमने दबाया है अगर क्लिक कर देते हैं तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस है उस पर जाके आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ गलत आपने उसमें टाइप कर दिया है तो फिर से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और जब इसको क्लिक आप कर देंगे तो यह आपको लगभग 24 घंटे के अंदर ही वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने डिटेल सारा सही दिया है तो आपके ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो अब आप विथड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ गलत दिया है तो वो भी आपको जो है पता चल जाएगा कि
आपने गलती क्या किया है वो भी आपको नोटिफिकेशन में दे देगा कि आपने ये गलत डाला है, तो उसको जो आप करेक्ट कर लीजिए अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो वजीरेक्स में अकाउंट बन जाएगा और KYC अपडेट हो जाएगी, और यह जब अपडेट हो जाएगी तो आप इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें जो है हम लोग इंडिया का जो एक और एक्सचेंज है जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, कैसे उसमें लॉगिन करना है, साइनअप करना है और उसका KYC कैसे अपडेट करना है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैं खुद उस पर ट्रेड करता हूँ और उस पर जो है बहुत ही आसानी से पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट हो जाते हैं। हमें लगता है कि एक मिनट भी नहीं लगता होगा डिपॉजिट विड्रॉ होने में, कभी कभी लेट हो जाता है। और बाकी इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको लगता है कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस सारे वीडियोस को, जितने हमारे वीडियोस हैं उसको आप शेयर ज़रूर करें जिससे आपके और दोस्तों को इसकी जानकारी मिल सके और बिटकॉइन के बारे में वो जानें और अपनी जो है इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।